गाइज, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, अक्षय कुमार और अजय देवगन बॉलीवुड के दो ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी है। ये दोनों ही पिछले कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार सुपरहिट होती आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम अक्षय और अजय की पिछली पाँचों फिल्मों के हिसाब से देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर कौन किस पर भारी रहा। सबसे पहले बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार की पिछली पांच फिल्मों के बारे में बात करें तो इनमें गोल्ड, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का डायरेक्शन रीमा कागती ने किया था। फिल्म में अक्षय के साथ मौनी रॉय भी नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा साल 2019 में अक्षय कुमार की चार फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी केसरी। इस फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया था। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी नजर आई थी। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद तीसरी फिल्म थी मिशन मंगल। मिशन मंगल भी साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन जगन शक्ति ने किया था। फिल्म में विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मन जोशी और तापसी पन्नू भी नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, चौथी फिल्म थी हाउसफुल 4। ये फिल्म भी साल 2019 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉबी देओल और रितेश देशमुख भी नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन फराज सामजी ने किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, हाउसफुल 4 के बाद अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन राज मेहता ने किया था। फिल्म में अक्षय के साथ करीना कपूर, दलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। दोस्तों, अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन की पिछली पांच फिल्मों के बारे में बात करें तो इन फिल्मों में गोलमाल अगेन थी, जो साल 2017 में रिलीज हुई। इस फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी ने किया था। फिल्म में तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, कुणाल खेमू और तुषार कपूर भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म रेड रिलीज हुई थी। ये साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता ने किया था। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ इलियाना डी क्रूज भी नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। गैस, रेड के बाद अजय देवगन की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल रिलीज हुई थी। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, रितेश देशमुख जैसे कई बड़े सितारे नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद दे दे प्यार दे रिलीज हुई थी। ये फिल्म भी साल 2019 में ही रिलीज हुई। इस फिल्म का डायरेक्शन अक्की वली ने किया था। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दे दे प्यार दे के बाद अजय देवगन की फिल्म तानाजी रिलीज हुई। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सैफ अली खान, काजोल और शरद केलकर भी नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत ने किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। गाइस, अब अक्षय कुमार और अजय देवगन की पिछली पांचों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय कुमार की पिछली पांचों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म गोल्ड ने 159 करोड़ रुपए कमाए थे। केसरी ने 207 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके अलावा मिशन मंगल ने 290 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हाउसफुल 4 280 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। इनके अलावा गुड न्यूज ने 381 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इन पांचों फिल्मों का कुल कलेक्शन 1317 करोड़ रुपए बनता है। अगर अजय देवगन की पिछली पांचों फिल्मों के कुल कलेक्शन के बारे में बात करें तो गोलमाल अगेन ने कुल 311 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रेड ने 143 करोड़ रुपए कमाए थे। टोटल धमाल 228 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। दे दे प्यार दे ने 143 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा तानाजी ने बॉक्स ऑफिस पर 367 करोड़ रुपए का जबरदस्त कारोबार किया था। अजय देवगन की इन सभी फिल्मों की कुल कमाई 1192 करोड़ रुपए बनती है। गाइस, अक्षय और अजय की पिछली पांचों फिल्मों के कलेक्शन को देखकर ये कंक्लूजन निकलता है कि अक्षय कुमार अजय देवगन से काफी आगे चल रहे हैं। जहां अजय की पिछली पांचों फिल्मों का कुल कलेक्शन 1192 करोड़ रुपए बनता है, वहीं अक्षय की पिछली पांचों फिल्मों की कुल कमाई 1317 करोड़ रुपए होती है। दोस्तों, अक्षय कुमार और अजय देवगन में से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है और इनकी पिछली पांचों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उम्मीद है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।